सो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं बार ग्राफ, आपके मैथ्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो स्कोरिंग है। आई होप आप सब अच्छे से करेंगे इसको। प्रैक्टिस सेट 19, क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेम्स ऑफ द हेड्स ऑफ सम फैमिलीज इन अ विलेज। ठीक है, आपको नाम दिया है फैमिली का, जैसा जो हेड है ना उसके घर पे, जैसे रमेश एक घर का हेड है, शोभा, आयु, जूली एंड राहुल। और दूसरा क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर देयर फैमिलीज कंज्यूम इन वन डे। रमेश के घर वाले कितना पानी पीते हैं, 30 लीटर्स, शोभा के 60, आयु के 40, ऐसे सबका दिया है। ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डेटा। ठीक है, आपको बार ग्राफ बनाना है, आपको इस पे ध्यान देना है, स्केल, ये स्केल सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे सम में। आपको वाई एक्सिस पे कितना बनाना है, 1 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, 10 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैं बता दूँ कैसे करना है इसको। तो हमेशा सबसे पहले बार ग्राफ में जब आप बनाते हो, ठीक है, आपको सबसे पहले नीचे, सॉरी यहाँ पे स्केल लिखना होता है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर कितना दिया है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर। कुछ नहीं किए, जो यहाँ पे आपको दिया था क्वेश्चन में वही मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, यह है आपका बार ग्राफ। ठीक है, ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो होता है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई होता है, ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई। ठीक है, इस पर आपको वाई एक्सिस पर क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर कितना है, 10 लीटर्स ऑफ वाटर। तो देख, आप पेन से देखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 10, सो ये कितना होगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70। समझ में आ रहा है, अगर 10 दिया है तो 10 का टेबल सीखना है और कुछ नहीं करना है, लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, और नीचे क्या, दूसरा क्या दिया आपको, नेम्स दिया है, नेम्स, तो नीचे लिखने का नेम्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, रमेश कितना पीता है, उसकी फैमिली वाले 30 लीटर्स, तो एक यहाँ से जो शुरू करोगे ना, इसको ओ बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के आप 30 बनाओ, 30, पेंसिल स्किल से करना, हाथ से नहीं करना, और वहाँ पर लिखना रमेश। शोभा का कितना है, 60 लीटर्स, एक बॉक्स छोड़ दो, फिर 60 पे बनाना, 60 पे, और लिखना शोभा। ठीक है, फिर आयु का कितना है, 40, एक बॉक्स छोड़ के 40 का बनाओ, 40 पे, ठीक है, और लिखो आयु, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसा मैंने लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है जूली, 50 लीटर्स, जूली का कितना है, घर वाले 50 लीटर्स पीते हैं। और लास्ट में है राहुल, उसका 55 लीटर्स है। अब स्टूडेंट्स बताओ 55 किसके बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में आएगा ना 55। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, देखो 50, 51, आपको 50 और 60 के बीच में ऐसे 10 लाइन दिखेंगी जो मिलीमीटर है आपका, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो 55 कहाँ आएगा, 50 और 60 के एकदम बीच में, 55 किसका है, वो राहुल का। आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अच्छे से करना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही है, द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टन जू आर गिवन बिलो। आपको एनिमल्स दिए हैं और आपको उसका नंबर्स दिए हैं, जैसे डियर 20 है, टाइगर 4 है, मंकी 12 है। आपको बार ग्राफ बनाना है, स्केल देखो, वाई एक्सिस पे कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर, 4 एनिमल्स। आप अपने मर्जी से नहीं कर सकते, आपको स्केल जब दिया है, ठीक है, जब स्केल दिया है तो आपको उसी के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो लिखने का स्केल ऑन वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर कितना है, 4 एनिमल्स। आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस बनाया है, नीचे है एक्स, ओ मतलब ओरिजिन, यहाँ से शुरू होता है। तो 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स कितना है, 4 एनिमल्स। तो दूसरा कितना होगा, 8, 12, 16, 20, 24, 28, पूरा 4 का टेबल लेने का। ठीक है, 4 का टेबल लेने का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना है, 4 एनिमल्स। पहला कौन सा है, डियर कितना है, 20, तो एक बॉक्स छोड़ के पहले 20 लिखो, 20 बनाओ और उस पर लिखो डियर। टाइगर कितना था उसमें, 4 दिया है तो मैंने 4 पे बनाया है। फिर मंकी कितना है, 12 पे है आपका मंकी। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ के एक बॉक्स बनाने का। रैबिट कितना है, 16, पिकॉक कितना है, 8, तो पिकॉक किस पे आएगा, 8 पे। समझ में आ गया, और नीचे लिखने का नेम ऑफ एनिमल्स। सो ऐसा आपका बायोग्राफ बनेगा। ऑल राइट, समझ में आ गया।